हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ भाई आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर बच्चों में किस तरीके से की जाए। आमतौर पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन प्रदान करती है, यानी कि मदर और बच्चे के बीच एक लिंक का काम करती है, जिससे कि बच्चे को मदर के द्वारा न्यूट्रिशन मिलता रहता है, उसको ब्लड सप्लाई और जितनी भी सारी चीज़ें उस बच्चे को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उसके द्वारा मिलती रहती है। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद इस अम्बिलिकल कॉर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती है, इसलिए इसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद कुछ थोड़ा सा पार्ट रखा जाता है, उस पार्ट की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बच्चे को इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये बताएंगे कि उस अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर किस तरीके से किया जाए, यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो बचा हुआ पार्ट है जिसे कि स्टंप बोला जाता है, उस स्टंप की केयर किस तरीके से की जाए। मेनली जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो बचा हुआ पार्ट यानी कि स्टंप है वो 1 से 3 वीक के अंदर ऑटोमेटिकली झड़ जाता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक झड़ जाता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उस दौरान इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसकी केयर में सबसे पहले जो ये कॉर्ड है इसको बिल्कुल भी हाथ, जब भी हाथ लगाए तो इसको अच्छे से साबुन से हाथ धोकर ही हाथ लगाए, और ज़्यादा छूने की ज़रूरत इसको नहीं होती है, नहीं तो इसको इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, स्टंप को हमेशा यानी कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हमेशा ड्राई रखे और उसको बिल्कुल साफ रखे, यानी उसके आसपास गंदगी नहीं रहने दे। अगर उसके आसपास कोई चिपचिपा पदार्थ वगैरह दिखता है तो उसको ड्राई कॉटन या वेट कॉटन से अच्छे से साफ कर दे। बच्चे को बाथटब में तब तक नहीं नहलाना है तब तक जो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड की स्टंप है वो झड़ नहीं जाए, नहीं तो उसको उसके द्वारा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे को डाइपर पहनाते टाइम डाइपर को बच्चे के स्टंप से नीचे की तरफ रखे, अगर डाइपर लेंथ ज़्यादा है तो उसको उसकी कॉर्ड के नीचे ही फोल्ड कर दे, डाइपर से बच्चे की कॉर्ड को स्टंप को ढकने का प्रयास नहीं करे, क्योंकि बच्चा यूरिन या पोटी करेगा तो उस दौरान उससे उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसको खींचने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, नहीं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ये अपने आप झड़ जाती है, इसलिए खींचने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। और इसको क्लीन करने के लिए साबुन या पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें, ओनली इसको ड्राई एयर के संपर्क में रखें और ड्राई रखें, जिससे कि जल्दी से जल्दी झड़ जाए। और अगर कुछ कंडीशंस ऐसी अगर आपको दिखती है जैसे कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, यानी कि बच्चे को 100 डिग्री से ऊपर बुखार है, या उसकी जो स्टंप है यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के आसपास का जो एरिया वहाँ पर बेड ऑर्डर दिखे, यानी बदबू आ रही हो, या बच्चा सुस्त हो, या बच्चा फीडिंग नहीं ले रहा हो, तो इन सारी कंडीशंस में तुरंत आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि इन सारी कंडीशंस बच्चे के अंदर इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस को बताती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसमें मैंने जो केयर आपको बताई वो आपको समझ में आई हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ, ताकि आगे भी जो नोटिफिकेशंस आपको मेरे चैनल की मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।